आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो केबल है, जो स्ट्रीट लाइट का हो या फिर जिस तरह का भी केबल हो, वो कई बार क्या होता है कि बीच से कट हो जाता है। बीच से कट होने के बाद अगर आपको आगे सप्लाई देना है तो कैसे देंगे, कभी इमरजेंसी हो जाता है, जल्दी में आपको सप्लाई आगे देना होता है तो कैसे देंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं, हमारा ये स्ट्रीट लाइट का एल्बा है, ये टर्मिनल है, केबल टर्मिनल देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक न्यूट्रल है, एक हमारा न्यूट्रल है, बाकी RYB 3 फेस है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा लाइट देख सकते हैं। अब इधर देखिए, ये साइड हमारा पूरा लाइट चल रहा है, यहाँ तक तो इस जो पोस्ट है, ये खंभा है, यहाँ तक हमारा जो वोल्ट है वो आ रहा है, क्लियर है। लेकिन इससे आगे देखें तो नहीं चल रहा है, इसके बीच में है, केबल कट हो गया है और वो केबल घर के अंदर से जा रहा है। तो अब हमको इसको चालू करना है और आगे भी हमारा ज़्यादा लोड नहीं है, बस 3 खंभा है, 3 लाइट का खंभा है, इसको चालू करना है, कंप्लेंट है जल्दी में। तो कैसे करेंगे इसके लिए, देखिए हमारे पास ये जो 6 mm का, ये देख सकते हैं 6 mm का हमारे पास क्या है, तार है, 2 कोर का है, इसमें 2 कोर है, आप देख सकते हैं 6 mm का तार है, 2 कोर है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से उस पोस्ट में सप्लाई देंगे ऊपर ऊपर, और ऊपर में तार ना दिखे इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सीमेंट डाल देंगे। देखिए ये तार हमारा जा रहा है दूसरे पोस्ट में, क्योंकि बीच में ये घर के सेंटर में कहीं भी केबल कट हो गया है, कट करके अलग हो गया है, अब ये घर तोड़ कर केबल नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए दूसरा तरीका यही है कि हम ऊपर से या तो कट करके, रोड कटिंग करके दूसरा केबल डाल दें, या फिर अगर हमारा लोड ज़्यादा नहीं है तो हम सिंगल कोई भी केबल 6 mm का या जो भी हो वो हम डाल देंगे। देखिए ये हमारा एल्बा है और ये देख सकते हैं, ये कैंसल वाला जो केबल है, कैंसल वाला ये केबल हमारा जो कट करके अलग हो गया है और दोनों शॉर्ट हो गया है, यानी ये चारों शॉर्ट हो गया है, जिधर भी केबल कट हुआ है वो चारों आपस में मिल गया है, ठीक है। हमने शॉर्ट वाला जो केबल था, यानी जो हमारा इस पोस्ट से देख सकते हैं, ये जो पोस्ट में लाइट जल रही है, ये पोस्ट से, यानी ये जो हमारा स्ट्रीट लाइट का खंभा है, इससे जो सप्लाई आ रहा था इस पोस्ट में, ठीक है, इस पोस्ट में जो आ रहा था, इसके बीच में जो देख रहे हैं घर है, इसके बीच में केबल कट करके अलग हो गया है, बात समझ रहे हैं, केबल कट करके अलग हो गया है। अब इसको दूसरा केबल डालने के लिए रोड कटना चाहिए पहले, फिर केबल यहाँ तक लाना चाहिए, लेकिन कटर नहीं है कटने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से, चूँकि हमारा इधर भी लोड ज़्यादा नहीं है, बस 3 पोस्ट है, मुश्किल से 2 एम्पियर भी नहीं लेगा, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि 6 mm का जो हमारा है, जो तार है, हम उसको वो वाला जो लाइट जिधर जल रही देख रहे हैं उस पोस्ट से यहाँ इस पोस्ट के लिए 6 mm का हम तार डाल रहे हैं, और इसको हम यहाँ आकर 1 फेस में डाल देंगे, 1 न्यूट्रल में डाल देंगे, 1 किसी भी फेस में डालकर जो हमारा तीनों जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट का जो खंभा है, उसमें भी हम फेस बदल देंगे, या फिर इधर हम पूरा जंप कर देंगे तीनों फेस को। तो ये तरीका है, ठीक है, कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो ये तरीका है। बाकी ये जो तार है ये बाहर ना दिखना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये किनारे किनारे में जो है देख सकते हैं, ये घर के किनारे किनारे में डालकर हम इसमें सीमेंट डाल देंगे, ताकि ये जो हमारा तार है वो बाहर ना दिखे और कंप्लेंट ना आए। अगर ये तार हमारा बाहर दिखेगा तो बाद में कंप्लेंट आ सकता है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं वो पोस्ट से, उस पोस्ट से हमने ये तार सीधा लेकर आया और इस पोस्ट में हमको इस तार को कनेक्ट कर देना है, यानी एक फेस न्यूट्रल आएगा, बाकी फिर साइड साइड से ये तार डाल के हम सीमेंट डाल देंगे ताकि ये बंद हो जाए, दिखे नहीं। बाकी दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि हर कोई सीख सके कि, और कभी अगर आपके पास इस तरह के मौका बन जाए, कभी किसी चीज़ को चालू करना ज़रूरी हो जाए, दूसरा कोई तरीका ना हो, तो आप इस तरह से काम चला सकती हैं इमरजेंसी में, तत्काल के लिए, फ़िलहाल के लिए, ठीक है दोस्तों। चलता हूँ, दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे।